वेलकम बैक टू माय चैनल काजल मुकेश। नमस्ते, प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हों। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ छोले भटूरे की रेसिपी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। छोले को बॉयल करने के लिए पानी चढ़ा दी है और इसमें चाय पत्ती डाल देंगे और चाय पत्ती को जब तक कलर हो जाए, जैसे चाय बनाते हैं ना वैसे इसको कर लेंगे पानी को बॉयल। चाय पत्ती की पानी बॉयल हो चुकी है तो अब इसको हम इसमें डाल लेंगे। पूरा चना से ज़्यादा ऊपर नहीं डालना है, चना से थोड़ा ही ऊपर डालना है, ज़्यादा ऊपर नहीं डालना है। नमक मैंने डाल दिया था और थोड़ा कम पड़ा लगा तो मैं डाल दे रही हूँ। अब इसका ढक्कन लगा के हम कुकर में 4 से 5 सीटी तक लगने तक इसको पकाएंगे। तब तक इधर मैं आपको भटूरे की दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने 3 कप मैदा ले लिया है और इसमें 2 चम्मच मैं सूजी डाल रही हूँ, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और इसको मिलाना है। और 1 चम्मच घी, आप इसमें तेल बिल्कुल मत डालिएगा, 1 चम्मच घी बस। अब इसको अच्छे से मिलाना है, ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ा ही देर हो गया। अब इसको, ये मैंने गर्म पानी ले लिया है, ज़्यादा नहीं है बस नॉर्मल है, तो इसको हम डाल के थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करते जाएंगे। ऐसे इसको अच्छे से मिला लेना है। देखिए कितनी सुंदर, नहीं ज़्यादा टाइट है, नहीं ज़्यादा लूज है, एकदम सुंदर है। थोड़ा ऊपर से घी लगा देते हैं। अच्छे से इसको मसल मसल के बस हो गया। अब ऊपर से इसमें घी लगा के इसको कोई कपड़ा से, नहीं तो कपड़ा नहीं हो तो कोई थाली उली से ढक देंगे घंटे के लिए। आटा हमारी सेट हो रही है, तब तक हम छोला बनाने की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इधर मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसको ऐसे ही डालेंगे। और इधर पेस्ट बनाने के लिए 1 टमाटर, 3-4 हरी मिर्च है, 6-7 शायद, हाँ 6-7 लहसुन है और 2 इंच अदरक का टुकड़ा है। तो अब चलिए, इधर मेरा तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका है तो इधर जीरा और तेज़पत्ता मैं डाल दे रही हूँ। देखिए ये चटक गया है, तो अब जो प्याज काट के रखी थी वो मैं डाल दे रही हूँ। इसको ब्राउन होने तक भुनना है अच्छे से। प्याज भुन चुकी है, अब इसमें मसाले मत 1 चम्मच पहले बेसन डालेंगे। ये सीक्रेट मेरा है, जो मैं बेसन इसलिए डालती हूँ ताकि छोले में जो ग्रेवी आ जाए ना, थोड़ा अच्छा से ग्रेवी हो जाए, नहीं तो पतला उसका ग्रेवी हो जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले बेसन डालती हूँ। तो बेसन को अच्छे से भून लेते हैं। 1 सेकेंड के लिए बेसन भून चुका है। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। ये कुछ सेकंड के लिए भुन जाए। सूखे मसाले भुन चुके हैं, अब इसमें जो टमाटर, अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट तैयार किया था वो मैं डाल दे रही हूँ।
अब इसमें अच्छे से इसको भूनेंगे जब तक ये मसाले में से तेल ना छोड़। मसाला तेल छोड़ चुका है अच्छे से। अब इसमें जो छोले हमने बॉईल करके रखा था वो डाल दे रहे हैं। छोले डाल चुकी हूँ और ये थोड़ा छोला मैंने निकाल लिया है, इसको ऐसे करके पीस के इसमें डाल देना है। छोले बन के रेडी हैं। अब लास्ट चीज़ जो हमें करना है वो जो मैं बताई थी ना, थोड़ा छोला को पीस के डालेंगे, वो मैं पीस के डाल रही हूँ इसमें। छोले बन चुका है अच्छे से। अब इसमें लास्ट जो है वो एक चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी धनिया पत्ती। बस देखिए ये छोले आपको कितनी सुंदर लग रही है। ऐसे आप लोग एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करेगा, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, और एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। मैंने लोई तोड़ के रख ली है, अब चलते हैं इसके बेलने के प्रोसेस में। तो मैंने थोड़ा घी लगा लिया है यहाँ पे, आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं। अब इसको जैसे आपको शेप देना है वैसे दे सकते हैं, जितना पतला हो सके आपको उतना पतला बेलना है। देखिए मैं इसको डाल दे रही हूँ इसमें। देखिए भटूरे अच्छे से फूल चुकी है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ, छोला भटूरा बन के तैयार है। आप लोग चाहे प्याज सलाद ले सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को प्याज नहीं पसंद है इसलिए मैंने प्याज नहीं दिया है उनको। तो आप लोग प्लीज़ मेरे तरीके से एक बार बना के देखिएगा, और आपको लोगों को ये छोले भटूरे की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।